खबर रीवा से है, जहां सबसे पुराने ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के तीन पूर्व प्राचार्यों को जेल भेजा गया है। इन तीनों पर 4.5 करोड़ के घोटाले का आरोप है। मामला सामने आने के बाद ईओडब्ल्यू ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। ईओडब्ल्यू ने तीन पूर्व प्राचार्यों को चालान विशेष न्यायालय पीसी एक्ट न्यायालय में शुक्रवार को प्रस्तुत किया। वहीं पूर्व प्राचार्यों द्वारा जमानत आवेदन लगाया गया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। लिहाजा तीनों पूर्व प्राचार्यों को मेडिकल के बाद केंद्रीय जेल भेज दिया गया है। दरअसल इस मामले में मानदेय भत्ता, पारिश्रमिक, प्रश्न पत्र बनाने, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन आदि खर्चों में घोटाला करने के इन तीनों प्राचार्यों पर आरोप लगे थे। ईओडब्ल्यू ने प्रारंभिक जांच के बाद तीन पूर्व प्राचार्य सहित 19 लोगों के खिलाफ प्रकरण कायम किया था और कॉलेज में छापा मारकर आर्थिक घोटाले से जुड़े दस्तावेज भी खंगाल कर जब्त किए। दिसंबर 2020 में ये कार्रवाई की गई। वहीं मामले में तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर रामलाल शुक्ला, डॉक्टर एस यू खान और डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा सहित 19 लोगों पर आर्थिक अनियमितता के आरोप के साथ एफआईआर दर्ज की गई थी। तत्कालीन प्राचार्य द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान लाखों रुपए की अनियमितता की गई थी। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ का रीवा में अपराध क्रमांक 32/20, जिसमें टीआरएस कॉलेज में पारिश्रमिक एवं मानदेय अवैधानिक अध्यादेशों के माध्यम से करोड़ों रुपए प्राचार्यों एवं अन्य प्राध्यापकों द्वारा एवं अन्य स्टाफ द्वारा लिए जाने का मामला संज्ञान में आया था। इस पर FIR की गई, जिसकी पहली चार्जशीट 19 व्यक्तियों के विरुद्ध इसमें FIR की गई। आज उसका पहली चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें तीन आरोपी थे।